माँ जी, तो आपने ऋषभ जी का फैसला सुन ही लिया। उसने मेरा फैसला भी तो सुन लिया ना। आपने तो सिर्फ करण जी और रक्षंदर जी का फैसला सुना दिया, हमारा फैसला कहाँ हो पाया? प्लीज पूजा, तुम्हारा ये रोज का रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी माँ जी, हम जानते हैं हमारी आंसुओं की कीमत ना आपको है ना ऋषभ जी को। आजकल तो आपका सारा ध्यान करण जी और रक्षंदर जी के शादी में लगा हुआ है। रक्षंदर जी को आपने अपनी आंखों का तारा जो बना लिया है। तो क्या मैंने तुम्हारे लिए कोई कोशिश नहीं की है? अगर ऋषभ तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं? और अब आप कुछ करेंगी भी नहीं। हमारी जिंदगी तबाह करनी थी, वो आपने कर दी। पूजा, अपनी जबान को तमीज के दायरे में रखो, हमारी हैसियत मत भूलो और अपनी औकात भी। चलिए, साल भर के बाद ही सही, आप बैठकर हमें सबक तो सिखा रही हैं। मैं तुम्हें कोई सबक नहीं सिखा रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कर रही हूँ। माँ जी, आप अपने आप को हमारी जगह पर रखकर देखिए ना। मैं क्यों, तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो उसकी अभी तक शादी हो जाती। प्लीज पूजा, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर एक साल में तुम ऋषभ को नहीं लुभा पाई ना तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, समझे? जी, कसूर आपका नहीं है, कसूर तो हमारा है। और अब हम हमारी असलियत पर उतर आएंगे, आप देखती रह जाएंगी। हाँ तो